रीमा जनकपुर नाम के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रीमा की एक 12 साल की बेटी थी जिसका नाम टीना था। टीना बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती थी। रीमा का पति टिल्लू एक शराबी था जो दिन रात शराब पीता रहता और आए दिन अपनी पत्नी रीमा को पैसों के लिए मारा करता था। रीमा बहुत ही गरीब थी और अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन रीमा काम करके घर आती है कि तभी उसकी बेटी टीना रीमा के पास आती है और बोलती है, माँ आप कितना काम करती हो, देखना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी। हाँ मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जल्दी से बड़ी हो जाए और खूब पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करे। तुझे भूख लगी होगी ना, मैं जल्दी से तेरे लिए खाना बना देती हूँ। ऐसा बोलकर रीमा रसोई में खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद टीना रसोई घर में आती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या बात है माँ, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ मुझे भी आपके जैसा खाना बनाना सीखना है, प्लीज माँ मुझे भी खाना बनाना सिखाओ ना। हाँ हाँ सीख लेना, पर पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, फिर मैं तुझे अपने जैसा खाना बनाना सिखा दूंगी, ठीक है। तभी रीमा का पति टिल्लू नशे की हालत में घर आता है और रीमा से पैसे मांगने लगता है, और जब रीमा पैसे देने से इनकार कर देती है तो उसे पीटने लगता है। मेरे घर में रहती और मुझे को पैसे देने से मना करती है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। तो मैं ये पैसे आपको नहीं दे सकती, ये मैंने अपनी बेटी टीना की पढ़ाई के लिए रखे हैं। पर टिल्लू रीमा की एक भी बात नहीं सुनता और उसे मार पीट कर उससे सारे पैसे छीन कर वहाँ से चला जाता है। एक तो लोगों के घरों में खाना बनाकर मैं थोड़े बहुत पैसे कमा पाती हूँ, घर का खर्च चला पाती हूँ, मगर ये जालिम पति मुझसे सारे पैसे छीन कर ले जाता है। हे भगवान आखिर क्या करूँ मैं, ऊपर से टीना का बड़े स्कूल में दाखिला भी कराना है ताकि ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, मेरी तरह बेबस ना रहे। अगले दिन रीमा काम पर जाती है और अपनी मालकिन के घर में खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ रीमा की मालकिन आ जाती है और रीमा से बोलती है, सच में रीमा मानना पड़ेगा तुम्हें कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो, पता है कल तो चिंटू के पापा भी तुम्हारे बनाए पराठों की बहुत तारीफ कर रहे थे। मालकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया, बस मुझे चिंटू की बड़ी चिंता होती है, वो घर का बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाता है, उसे तो बस रोज रोज पिज्जा और बर्गर खाना होता है। अब तुम ही बताओ रीमा, रोज रोज पिज्जा बर्गर खाना कोई अच्छी बात है? सच में मुझे तो उसकी सेहत की बहुत चिंता होती है। तभी मालकिन का बेटा चिंटू स्कूल से घर आता है और अपनी माँ से पिज्जा खाने की जिद करने लगता है। ये देखो आते ही पिज्जा खाने की जिद करने लगा, अरे मेरे लाल अगर रोज रोज ये बाहर का पिज्जा सिज्जा खाएगा तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, पहले ही तो बहुत पहलवान है। पर चिंटू अपनी माँ की बात नहीं सुनता और पिज्जा खाने की जिद करने लगता है। तभी रीमा रसोई घर में जाती है और एक बढ़िया पराठा बनाती है और उस पर तरह तरह की सब्जियां और ढेर सारा चीज डालकर एक बढ़िया सा पराठा पिज्जा बनाकर लाती है और चिंटू बाबा से बोलती है, ये देखो चिंटू बाबा आपके लिए एक मस्त सा पराठा पिज्जा, और पता है इसे खाने से आपकी सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। फिर चिंटू रीमा के हाथ का बना पराठा पिज्जा खाता है और खुशी से बोलता है, अरे वाह ये पराठा पिज्जा तो बाहर के पिज्जा से भी ज्यादा मस्त और टेस्टी है। चिंटू को खुशी खुशी घर का बना पराठा पिज्जा खाते देख मालकिन को बहुत खुशी होती है और वो रीमा से बोलती है, अरे वाह रीमा तुमने तो कमाल ही कर दिया। रीमा कुछ दिन बाद चिंटू का बर्थडे है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन सभी मेहमानों के लिए ये पराठा पिज्जा बनाओ और इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी, ठीक है। रीमा मालकिन की बात सुनकर बहुत खुश होती है, फिर तो उन पैसों से मैं अपनी बेटी का बड़े स्कूल में दाखिला भी करा पाऊंगी। फिर रीमा खुशी खुशी घर जाती है और टीना को सारी बात बताती है, अरे वाह माँ आपको तो पिज्जा भी बनाना आता है, मुझे भी आपके हाथ का बना पराठा पिज्जा खाना है, मैं अपनी लाडू के लिए कल ही बढ़िया सा पराठा पिज्जा बनाऊंगी। रात हो जाती है, टीना कमरे में सोने के लिए चली जाती है कि तभी रीमा का पति टिल्लू नशे की हालत में घर आता है और रीमा से पैसे मांगता है। रीमा पैसे देने से इनकार करती है तो गुस्से में आकर टिल्लू रीमा को बहुत मारता पीटता है और उसका सिर जोर से दीवार में मारता है जिसकी वजह से रीमा की उसी समय मौत हो जाती है। टीना शोर सुनकर कमरे से भागते हुए आती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है, हे भगवान ये क्या हो गया मेरी माँ को। रीमा के मरने का टिल्लू को कोई दुख नहीं होता, वो तो बस आए दिन शराब पीकर टुल्ल पड़ा रहता था। रीमा को मरे हुए कुछ दिन हो जाते हैं, हे भगवान मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, पिताजी तो बस शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उन्हें तो मेरी कोई चिंता भी नहीं है, घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं,
और घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा बोलकर टीना अपनी माँ को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगती है कि तभी टीना के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर टीना बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? टीना बेटी, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। क्या सच में आप मेरी माँ हो? चुड़ैल फिर से रीमा के रूप में आ जाती है और टीना से बोलती है, हाँ बेटी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम रोना बंद करो। टीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपकी जाने के बाद देखो ना सब क्या हो गया है। पिताजी को तो मेरी जरा भी चिंता नहीं है, वो तो बस शराब पीकर पड़े रहते हैं। अब तो घर में जरा भी पैसे नहीं बचे हैं माँ। तुम परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, मैंने तुम्हें चिंटू बाबा के बर्थडे के बारे में बताया था ना, तो कल उनका बर्थडे है और मैं सोच रही थी कि तुम मालकिन के घर जाकर सभी मेहमानों के लिए पराठा पिज्जा बनाओ। अगर सभी को पराठा पिज्जा पसंद आया तो मालकिन तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगी। फिर उन पैसों से तुम अपने खाने का इंतजाम भी कर लोगी और स्कूल में दाखिला भी करा पाओगी। मगर माँ, मुझे तो पराठा पिज्जा बनाना आता ही नहीं। अरे मेरी बेटी, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। फिर अगले दिन टीना मालकिन के घर जाती है। टीना बेटी, तुम्हारी माँ की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर तुम अपनी माँ की तरह पराठा पिज्जा बना तो लोगी ना? मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर टीना रसोई घर में जाती है कि तभी चुड़ैल भी अपनी जादुई शक्ति से रसोई घर में प्रकट हो जाती है। टीना जैसे ही पराठा बनाती है, चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से पल भर में उस पराठे को ढेर सारी सब्जियों और चीज से एक बढ़िया पराठा पिज्जा तैयार कर देती है। फिर टीना सभी मेहमानों और मालकिन को पराठा पिज्जा खिलाती है। अरे वाह टीना, सच में तुम भी अपनी माँ की तरह ही टेस्टी पराठा पिज्जा बनाती हो। बाकी सभी मेहमान भी टीना के बनाए पराठे पिज्जा की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ सुनकर टीना बहुत खुश होती है और रसोई घर में जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, बाहर सभी मेहमान आपके पराठा पिज्जा की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तभी रसोई घर में मालकिन आ जाती है और चुड़ैल को पराठा पिज्जा बनाते देख मालकिन के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? और टीना, तुम इस चुड़ैल से क्या बात कर रही हो? मालकिन, मैं रीमा हूँ। फिर रीमा मालकिन को सारी बात बताती है। मालकिन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना, मैं तो बस पराठा पिज्जा बनाने में अपनी बेटी की मदद कर रही थी ताकि आप खुश होकर उसे ढेर सारे पैसे दे सके और उन पैसों से टीना अपने खाने का इंतजाम कर सके और हो सके तो बड़े स्कूल में दाखिला भी करा पाए। मालकिन, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चुड़ैल की बातें सुनकर मालकिन का दिल पसीज जाता है और वो चुड़ैल से बोलती है, मरने के बाद भी तुम्हें अपनी बेटी की कितनी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी का बड़े स्कूल में दाखिला कराऊंगी ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छी से पूरी कर सके। फिर मालकिन अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकालकर टीना के हाथ में देती है और बोलती है, ये है तुम्हारा इनाम। तुम दोनों ने इतना टेस्टी पराठा पिज्जा जो बनाकर खिलाया है तो इनाम तो बनता है ना। और हाँ टीना, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। मालकिन की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर चुड़ैल और टीना मालकिन का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। देखा बेटी, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा।